हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणा ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में लास्ट ट्वेंटी फाइव डेज प्रिपरेशन थ्रू एमसीक्यूज में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर एमसीट और हर बार की तरह आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एमसीक्यूज और डिफरेंट डिफरेंट यूनिट से ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे तो आज के जो सीरीज है आज की जो आज वाला लेक्चर है इसमें हम लोगों ने कुछ न्यू क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए हैं और वही हर बार की तरह कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल से थोड़े इकोनॉमिक्स से ठीक है पूछे जाएंगे तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं है तो अगर आपका स्कोर ट्वेंटी है, so है इसमें थोड़ा कम होता है इज़ so जुड़ा हुआ है अभी फिफ्टी फाइनेंस कमीशन डिटेल में पढ़ा होगा दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेज अमंग स्टेट्स टल uh, डिस्ट्रीब्यूशन तो मतलब so, आपने देखा होगा फाइव टू सिक्स क्राइटेरिया है जिसमें राइट आंसर क्या है यह देना है इनकम डिस्टेंस पॉपुलेशन और पॉपुलेशन भी दिया हुआ है जो सेंसस कौन साउजेंड इलेवन या प्रीवियसेंसस ठीक है चलिए आंसर की तरफ चलते हैं जो दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इनकम डिस्टेंस भी और पॉपुलेशन भी एक बार ध्यान देना जो फोर्टीन फाइनेंस कमीशन था फाइनेंस कमीशन ने जो पॉपुलेशन का बेस लिया था दैट इज वन लिया था लेकिन फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन हेड कौन है नंद किशोर सिंह तो इन्होंने जो बेस ईयर लिया है सेंसिस का वो लिया टू सो so, पॉपुलेशन भी करेक्ट है और इनकम डिस्टेंस भी करेक्ट है वेटेज देख लीजिए इनकम का वेटेज सबसे ज्यादा है, है, है और का एरिया को है फिफ्टीन परसेंट ऐसे और भी डिवाइडेड है वो भी कर लेना चलिए क्वेश्चन नंबर हैज़ रिटर्न द थ्योरी ऑफ ट्रेजिडी ऑफ कॉमन्स ठीक है ट्रेजिडी ऑफ कॉमन्स जो कॉमन प्रॉपर्टी गोल्स होंगे यहां पे जहां पे सभी का अधिकार है वहां पे क्या होगा एक्सप्लॉयटेशन नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा थ्योरी इज गिवन होम ठीक सो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अगर आपने एक बार भी सुना हुआ है कहीं तो माइंड में डायरेक्टली रिलेट कर जाएगा और एस टाइप के क्वेश्चन के आपके दो में से दो मार्क्स पक्के होते हैं ठीक जो करेक्ट आंसर है दैट इज गेट हार्डिन और नाइनटीन में इन्होंने पब्लिश किया था अपना पेपर उसमें उन्होंने थ्योरी डिस्कस की थी ट्रेजिडी ऑफ कॉमन्स क्वेश्चन नंबर थ्री वट इज द मीनिंग ऑफ एवरग्रीनिंग ऑफ loans. ठीक है एवरग्रीनिंग में देखेंगे अभी live comment का ऑप्शन ऑन है अगर आप बाद में देखेंगे तो आप सर्च भी कर सकते हो कि एवरग्रीनिंग क्या होता है concept? तो इस प्रोसेस में चाहे आप सर्च करेंगे तो उस प्रोसेस में आप कुछ ना कुछ सीखोगे तो जो न्यू लर्निंग है आपकी यही आगे चलिव आपको रिजल्ट देने वाली है एवरग्रीनिंग ऑफ लॉन्स यानिंग भी बोलते हैं किससे रिलेटेड है चलिए जो भी आंसर आपका आंसर दीजिए फटाफट हम लोग उसके बाद डिस्कस करते हैं तो लोन का मतलब होता है फ्रेश लोन फॉर रीपेमेंट ऑफ ओल्ड लोन्स मतलब के लिए भी न्यू लोन जब बैंक प्रोवाइड करता है और दूसरी तरीके से हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट को आप डिले कर देते हो सो जो करेक्ट है

कौन से इंडियन इकोनॉमिस्ट थे जो जुड़े हुए थे इस कॉन्सेप्ट से ठीक है इंडियन रेट करेक्ट बर्थ करेक्ट है, और और है।, तो है, है। ठीक है सो इंडियन इकोनॉमिस्ट जो जुड़े हुए हैं अमृता सेन ठीक है नोबेल प्राइज मिला और पाकिस्तान से जुड़े इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं ठीक है उसको भी कमेंट करेंगे क्योंकि उन्हीं का नेमली जोड़ा जाता है जोड़ा so, जाता है सो फिफ्थ क्वेश्चन है हु हैज द बुक फॉल्ट लाइन्स बुक फॉल्ट लाइन किसने लिखा है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और बुक्स में से कई बार पूछ लेता है अभी कुछ ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि एक बुक हमेशा पूछ रहा है ठीक है so, सो यहाँ पे बुक दी हुई है फॉल्ट लाइन्स तो ज्यादा हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे दैट इज गिवन या रघुराम जी राजन ठीक है आई डू वट आई डू वो भी इन्हीं की थी और वो पूछ चुका है तो फॉर्ड लाइन से शायद नेक्स्ट एग्जाम में पूछ ना ले क्वेश्चन नंबर सिक्स विच इज करेक्ट फॉर द डिस्क्रिशनरी फिजिकल एक्शन दो तरह की पॉलिसी होती है डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी और बिल्ट इन स्टेबलाइजर पॉलिसी बिल्ट इन स्टेबलाइजर और डिस्क्रिशनरी तो डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी क्या रिप्रेजेंट करता है ये बताना है ठीक तो आपको एक चीज माइंड में इंडिकेशन कर गया होगा जहां फिजिकल पॉलिसी आ गई वहां पे क्या है दो चीजें हैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट के के टैक्सेस और एक्सपेंडिचर। so, जो करेक्ट आंसर उसी तरफ चलते हैं और ऑप्शंस दिए हुए एक बार आप लोग इनको डिटेल में देख लेना आंसर्स को भी। को। so, करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं is, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है जानबूझ के मैनेज करती है गवर्नमेंट के टैक्सेस को रिवेन्यूज को लेकिन

आउटपुट ठीक है? दोनों स्टेटमेंट में से कनेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये पूछ रहा है, हम आंसर की तरफ चलते है। अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो चलिए तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं पिगुएन सब्सिडी सेम थिंग एज पिगुन टैक्स देखो पिग्वेन सब्सिडी क्या करता है प्रोडक्शन को बूस्टअप करता है बल्कि टैक्सेस क्या करता है प्रोडक्शन को कम करता है ठीक तो ये फर्क है तो सेम नहीं है ठीक और उसकी बात इट मूव्स प्रोडक्शन टू द दे सोशलीम लेवल ऑफ आउटपुट तो सब्सिडी प्रोवाइड करके जो कम लेवल ऑफ प्रोडक्शन है उसको थोड़ा बढ़ाया जा सकता है और टैक्सेस टैक्सेस से क्या होता है हमेशा उन लगता है जो नेगेटिव एक्सटी क्रिएट कर रही है सो तो सब्सिडी प्रोवाइड करके हम लोग ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट अचीव कर सकते हैं तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है सो ओनली ऑनली ओके क्वेश्चन नंबर एट मीन ग्रीन शूट्स रिप्रेजेंट एन इकोनॉमी अभी इंडियन इकोनॉमी है ना जो ग्रीन शूट ठीक है वट इट मीन सो ग्रीन शूट का मतलब होता है दैट इज वी शेप रिकवरी जो अभी इंडियन इकोनॉमी कर रही है साइन ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी ड्यूरिंग एन इकोनॉमी डाउन टर्न अभी इकोनॉमी डाउन टर्न हो रही थी लेकिन एकदम से रिवाइव uh, कर गई सो फर्स्ट वन करेक्ट साइन ऑफ ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल सही नहीं है लेकिन करेक्ट सो ओनली वन ओके क्वेश्चन मेन वन टी एंड टू ट्वेंटी फॉर्मूला लिख लो आंसर खुद में खुद निकल आएगा ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है ठीक है ऑफ निकालना है तो सबसे पहले ऑफ का यहां वीडियो पॉज कर लेना थोड़ा टाइम लग, लग सकता है इस पर ठीक है तो सॉल्व आउट करेंगे यहां पे सबसे पहले ऑफ का फॉर्मूला लिख लो दैट इज सिग्मा अपॉन मेन मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड स्टैंडर्ड एविशन अपॉन मेन स्टैंडर्ड एविशन हमें नहीं दिया हुआ है स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिशन नहीं दिया हुआ लेकिन स्टैंडर्ड एविशन में जो स्क्वायर है वो दिया हुआ है

अपॉन मीन की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है टू मीन uh, की वैल्यू दैट इज वन ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड ठीक सो so इसके बाद आगे हो गया फिफ्टीन हंड्रेड अपॉन वन ट्वेंटी सो वन फिफ्टी बाय ट्वेल्व ठीक है वन फिफ्टी बाय ट्वेल्व करके देखना कितना होता है दैट इज वन उसके बाद ये हो गया थ्री एंड जीरो जीरो इट इज

और ठीक है इन दोनों को आइडेंटिफाई करो आंसर खुद खुद निकल आएगा ठीक चलिए हम लोग राइट आंसर की तरफ चलते हैं so, सो बहुत बार आ चुका है, और आ है। तो गोल्ड फील्ड क्वान टेस्ट है मैच करो आंसर खुद खुद निकल आएगा फर्स्ट का टू एंड सेकेंड का थर्ड ठीक है तो फोर्थ वन बिल्कुल करेक्ट जा रहा है

प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग जहाँ पे जो आपका प्राइस है दैट इज एवरेज रिवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू ठीक है तो ये क्या बोल रहा है वहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जहाँ पे आपका लेवल ऑफ दैट इज मार्जिनल कॉस्ट दैट इज एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट यहाँ यहां पर प्रॉफिट मैक्सीमाइजिंग जहां पर एम आर इक्वल टू एम सी होगा ठीक है वहां पर प्रोड्यूस करेगा एंड दूसरा है हाउ मच टू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशन दूसरा यह भी देखेगा कि सेल प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा करना है ठीक है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है यह बताना है देखो टी आर इक्वल टू जो एम सी इक्वल टू एम आर आई ये तो बिल्कुल ठीक है ठीक है शॉर्ट टर्न लेवल ऑफ आउटपुट मैक्सीमाइज करेगा प्रॉफिट लेकिन एडवर्टाइजमेंट नहीं आता जब हम लोग परफेक्टली कॉम्पिटेटिव में होते हैं न ही सेल प्रमोशन आता है ना एडवर्टाइजमेंट ठीक है ना ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट ओनली ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट टू डिटेक्ट ठीक है सिक्स टेस्ट आपको बताए थे डिफरेंट डिफरेंट उनमें से कौन सा टेस्ट ये कौन कौन से टेस्ट को ठीक है के लिए यूज होते हैं सो पार्क टेस्ट ग्लेजर टेस्ट गोल्ड फील्ड क्वान तो ये तो अभी किया है हमने गोल्ड फील्ड क्वान ठीक तो अदर कौन कौन से टेस्ट जुड़े हुए हैं वो भी सो करेक्ट आंसर जो है दैट इज फर्स्ट तीनों ही टेस्ट जुड़े हुए हैं हेट्रोस से ओके क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सो so, इसमें का जो लिक्विड ट्रैप है वहां से दो स्टेटमेंट पूछी गई हैं नंबर वन लिक्विड ट्रैप इज सिं पीपल प्रेफर टू होल्ड मनी रेदर देन इन्वेस्टिंग इट मतलब जहां पे ये वाली सिचुएशन है ठीक है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है डिमांड फॉर मनी क्या हो जाती है यहाँ पे लोएस्ट लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी, भी। ठीक है कॉन्स्टेंट हो जाती है तो इस लेवल पे भी लोएस्ट लेवल पे भी क्या रिप्रेजेंट करता है ट्रैप सिचुएशन में इट so दूसरा ऑप्शन है पीपल प्रेफर तो इन्वेस्ट इन दोनों को क्लियर कर लेते हैं पहले फिर आगे चलते हैं सो so लिक्विडिटी ट्रैप जहां पर लोग इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेंगे दे दे ऑप्शन ए करेक्ट है ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए नहीं करेंगे बल्कि स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए करेंगे नेक्स्ट है लिक्विडी सिचुएशन ऑफ अ शॉर्ट सप्लाई ऑफ मनी इन द मनी मार्केट तो लिक्विडी क्रंच बिल्कुल ठीक है जब मनी मार्केट में मनी सप्लाई की कमी हो जाती है शॉर्ट सप्लाई हो जाती है तो इसको बोलते हैं लिक्विडी क्रंच ठीक है करेक्ट है, है और क्रेडिट क्रंच जब शॉर्ट सप्लाई हो जाती है मनी लॉन एबल मनी की ठीक है सप्लाई ऑफ मनी इन टर्म इन दॉन मार्केट तो इसको बोलते हैं क्रेडिट क्रंच तो ए सी डी करेक्ट है ए सी डी करेक्ट स्टेटमेंट है okay, 14, model, on, आपने पढ़ा होगा गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल अकोमेशन दैट इज गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल अकमेशन ये भी पढ़ा होगा ठीक है दैट इज जॉन रॉबिन्सन का मॉडल तो क्या रिप्रेजेंट करता है सो so, ठीक तो राइट right आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं राइट आंसर की तरफ सो इट इज प्रॉफिट वेज रिलेशन एंड लेबर प्रोडक्टिविटी जॉब ने किया गोल्डन रूल ऑफ एक्मिनेशन ठीक है ठीक है लेबर प्रोडक्टिविटी सो बी वन इज करेक्ट मतलब सेकंड वन इज करेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ठीक है डिफरेंट टर्म्स है और इनके जो डेटा है ना वो कर लेना कि पर ईयर अभी जो ट्वेंटी ट्वेंटी टू का है वो कर लेना वो ही फिजिकल पॉलिसी डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट प्राइमरी चारों की लिखे हुए हैं और काफी क्वेश्चन है इतने बड़े लेवल का क्वेश्चन नहीं है चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं so, मतलब, इंक्लूड नहीं होती फर्स्ट का थ्री फर्स्ट का थ्री वन और थ्री में से एक हो सकता है बजट डेफिसिट एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल दैट इज फर्स्ट उसके बाद बजट बजे रिवेन्यू डेफिसिट रिवेन्यू डेफिसिट हो गया दैट इज एक्सेस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट इज सेकेंड और उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ठीक सो दैट इज फोर्थ सो ऑप्शन वन इज करेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन वट इज द थ्योरी ऑफ थ्योरी दैट ओपनिंग अ कंट्री टू वर्ल्ड मार्केट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड एज आपकी कंट्री में कोई रिसोर्स यूज नहीं हो पा रहे लेकिन आपने उसको कनेक्ट कर दिया अदर कंट्री के साथ इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड तो इस टर्म्स को हम क्या बोलेंगे ठीक है ये बोल रहे हैं इस टर्म्स को हम लोग क्या बोलेंगे ठीक है तो कौन सी टर्म्स हम लोग यूज करते हैं किस थ्योरी में थ्योरी स्ट्रेटेडिक ट्रेड थ्योरी रिकार्डियन थ्योरी या वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी चलिए राइट आंसर माइंड में इंडिकेट कर गया होगा, गया होगा होगा और कमेंट भी आ आपका दैट इज डी वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी करेक्ट है और वेंट फॉर सरप्लस गिवन बाय हु हो दी थी थ्योरी चलिए सो वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी गिवन बाय एडम स्मिथ चलिए नेक्स्ट अगेन इजी लेवल का क्वेश्चन है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है एक बार देखोगे तो बार बर, बार आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अज्शन ऑफ ट्रिकल डाउन इफेक्ट वॉज गिवन अपन विच फाइवियर प्लान ठीक है सोसाइटी का जो पैसा है पुअर में जा रहा है, है वो बुरा माना जाता है क्योंकि पुअर का पैसा रिचर के पास चला जाता है सो इट इज करेक्ट दैट इज फिफ्थ फाइवियर प्लान ओके क्वेश्चन नंबर एटीन आउट ऑफ दी वन परसेंट डिवॉल्व टू स्टेट पहले फोर्टी टू परसेंट था अभी हो गया फिफ्टीन फाइनेंसेंट मैक्सिम शेयर में सबसे पहले जितना बड़ा साइज होगा पॉपुलेशन का साइज एरिया का साइज ठीक है उसको सबसे ज्यादा वेटेज मिलता है हमेशा ही तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन में सबसे बड़ा कौन सा है यूपी तो यूपी का वेटेज पहले होना चाहिए ठीक है इन दोनों में से आंसर आपका निकलेगा ठीक अब राइट आंसर क्या है वो फटाफट कमेंट करेंगे सो so, यूपी का शेयर काफी ज्यादा है फिर राइट आंसर की तरफ मूव करते हैं चलिए अब जो भी आपका आंसर है उसको कमेंट कर दीजिएगा सो so, यूपी का जो शेयर है वो कितना है सेवनटीन पॉइंट नाइन मतलब नाइन थ्री परसेंट फिर बिहार बिहार का जो शेयर आता है बिहार का शेयर टेन पॉइंट जीरो फाइव परसेंट एमपी का शेयर सेवन पॉइंट एट और वेस्ट बंगाल सेवन पॉइंट फाइव परसेंट तो जो ये वाली क्रोनोलॉजी करेक्ट है ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है ठीक है पेपर वन में भी काम आएगा आपके अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज शेयर इन पावर जनरेशन कैपेसिटी पावर जनरेशन कैपेसिटी में से किसका शेयर ज्यादा है सेंटर का स्टेट का प्राइवेट का किसका शेयर ठीक चलिए थोड़ा सा माइंड यूज करिए चलिए जो अभी के सिनेरियो में मतलब 2019-20 का ये डेटा है 19-20 तक अगर हम बात करें तो सबसे जो ज्यादा शेयर है वो है प्राइवेट का कि प्राइवेट का जो शेयर है पावर जनरेशन में 46 परसेंट है लगभग और स्टेट का जो शेयर है लगभग लगभग स्टेट का शेयर ट्वेंटी परसेंट और सेंट्रल का जो लगभग लगभग 25 परसेंट ठीक है इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी कर सकता है तो जो राइट right आंसर है दैट इज प्राइवेट फिर स्टेट फिर सेंट्रल ठीक तो सी वन इज करेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन बी अडोप्टेड बाई द मोनोपोलिस्ट टू क्रिएट एंट्री बैरियर सो दाइवल कैन नॉट एंटर टू द इंडस्ट्री इन द लॉन्ग रन ठीक है लॉन्ग रन में अगर राइवल फॉर्म्स को एंट्री नहीं देनी तो मोनोपोलिस्ट क्या ऐसा करेगा कि एंट्री लॉक हो जाए एंट्री बैरियर बन जाए सो so, मोनोपोलिस्ट क्या करेगा यह आपको बताया मैक्सिमाइजिंग यूज ऑफ रॉ मटीरियल प्रोडक्ट पेटेंट और प्रोसेस पेटेंट चार्जिंग हाई प्राइजेस एंड शेयरिंग एक्सक्लूसिव राइट टू फ्यू प्रोडक्ट तो माइंड में इंडिकेट कर राइट आंसर right तो मोरपोलिस्ट क्या करेगा अपने पेटेंट राइट्स प्रोडक्ट के पेटेंट्स और प्रोसेस पेटेंट को ठीक है अपने नाम करेगा पहले ताकि वैसा जो प्रोडक्ट है वो कोई और कंपनी ना बनाए और ये आज भी ये पेटेंट राइट वगैरह काफी यूज किए जाते हैं ट्रेड बैरियर के थ्रू ठीक है मतलब जो कंपटीशन है या फिर मार्केट में एंट्री बैरियर है उसके लिए क्वेश्चन ट्वेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द वॉलेंट्री एक्सचेंज थ्योरी ठीक है is, ये पहले बोलते थे, theory, और फिर का जो कॉन्सेप्ट था, था उससे भी जोड़ा गया था थीक? अभी ये थ्योरी ऑफ टैक्सेशन में वॉलेंट्री एक्सचेंज थ्योरी वॉलेंट्री का मतलब स्वेच्छित आपकी मर्जी है कोई चीज मतलब डिपेंड करता है आप कितना कंजप्शन करो कितने लेवल की आप लोग इन्वेस्टमेंट करो सो इट इज फ्री फ्री अपॉन इंडिविजुअल इंडिविजुअल की मर्जी है जितना मर्जी परचेज करे या सेल सो वॉलेंट्री एक्सचेंज थ्योरी दो स्टेटमेंट दिए हुए पीपल शुड है गवर्नमेंट एंड एवरी इंडिविजुअल शुड गेट दी दैट इज फ्री पब्लिक गुड्स ठीक है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है ये आपको बताना है ठीक है So, so, right इंडिविजुअल प्रोविजन नहीं है तो प्रोविजन ओबलिटी एक्सचेंज थ्योरी में है ये वन ठीक है कि ऑप्शन होना चाहिए पे करने के लिए मतलब फोर्स नहीं होना चाहिए टैक्सेस क्वेश्चन ट्वेंटी टू अब आपको पेन और पेन और पेपर की जरूरत पड़ेगी देन कंजप्शन फंक्शन इज दैट एंड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज दैट देन फाइंड आउट टू थिंग्स इक्म लेवल ऑफ इनकम एंड दैट इज इक्म लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इक्म लेवल ऑफ नेशनल इनकम ठीक है दो चीजें फाइंड आउट करनी है चलिए हम भी फाइंड आउट करते हैं इसको आप भी फाइंड आउट करिए फिर बताइए कि आंसर आता है ठीक है थोड़ा सा फाइंड आउट कर लेते हैं और आप भी इसको तब तक फाइंड आउट करिए आंसर आ जाएगा ठीक है एट की सिचुएशन में क्या होता है जैसे हमने लास्ट टाइम किया था और एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होता है एग्रीगेट सप्लाई हमें पता है दैट इज इनकम हम इसको बोलते हैं और इक्वल टू दैट इज अब इसको आई इक्वल टू तो एस करके भी निकाल सकते हो एस इक्वल टू आई करके भी कर सकते हो ठीक है ए डी के दो कंपोनेंट सी प्लस आई चलिए उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं कंजप्शन फंक्शन हमें दिया हुआ है सी दैट इज ए टी प्लस जीरो पॉइंट टू वाई और अभी इसको हम लोग ज वाई माइनस जीरो पॉइंट टू वाई इक्वल टू और इधर प्लस आ जाएगा दैट इज आई ठीक है इन्वेस्टमेंट कितना है एट हंड्रेड सो एट्टी प्लस एट हंड्रेड यह हो गया एट एट्टी और वन माइनस जीरो पॉइंट टू तो यह हो गया जीरो पॉइंट एट वाई इक्वल टू एट एटी सो एट एटी डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट एट ठीक है सो इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो इधर एक जीरो और आ जाएगा तो ये हो गया एट्टी एट हंड्रेड डिवाइडेड बाई एट ठीक है तो ये वन वन टाइम टाइम उसके बाद अगेन मतलब डायरेक्टली निकल आएगा आंसर ठीक है एक ही ऑप्शन में दिया हुआ इलेवन हंड्रेड उसके बाद नेक्स्ट कन्प्शन कन्प्शन निकालना है तो हमें सीधा जाना है सी बार प्लस बी वाई ठीक है सी बार दिया हुआ एट्टी प्लस जीरो पॉइंट टू और इनकम हमारा आ गया इलेवन हंड्रेड ठीक है सो एटी प्लस जीरो पॉइंट टू को इलेवन हंड्रेड मल्टीप्लाई करेंगे आई इक्वल टू इन्वेस्ट सेविंग अल्टीमेटली सो सी प्लस आई कितना होना चाहिए इनकम के बराबर ही होना चाहिए सो थ्री हंड्रेड प्लस एट हंड्रेड करोगे तो इलेवन हंड्रेड आ जाएगा क्रॉस वेरीफाई कर लेना वो बराबर आएगा आपको चलिए तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट. ओके क्वेश्चन नंबर डिमांड फॉर मनी के कौन कौन से कॉम्पोनेट है अकॉर्डिंग टू के अकॉर्डिंग अलग है सो so, चलिए तो ट्रांजेक्शन मोटिव प्रिकॉशन मोटिव एंड स्पेकुलेशन मोटिव तीनों ही मोटिव है अब फटाफट ये बताएंगे कि ट्रांजेक्शन और स्पेकुलेशन मोटिव ये तीनों अलग अलग किस किस पे डिपेंड करते हैं ठीक है ये क्वेश्चन बनता है आपका सो आंसर इसमें राइट फोर्थ दैट इज वन टू थ्री तो ट्रांजेक्शन डिमांड डिपेंड करता है इनकम पे और प्रिकॉशनरी भी डिपेंड करता है इनकम पे लेकिन स्पेकुलेटरी डिमांड फॉर जो मनी है वो किस पे डिपेंड करता है ठीक है फटाफट कमेंट करना किस पे डिपेंड करता है ठीक है करेक्ट है डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर मार्केट सिग्नलिंग वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाई तो इस टाइप के जो सीधे साधे क्वेश्चन है ना ये ये पहले आते थे पेपर टू में ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे अगर आंसर आता है तो दो नंबर अगर आंसर नहीं आता तो जीरो मार्क्स और तुपका भी कई बार चल जाता था लेकिन ये सीधे साधे क्वेश्चन जो है इनका आंसर फैक्ट बेस्ड है एक बार कर लोगे भूलोगे नहीं कभी ठीक है सो दैट इज माइकल स्पेंस करेक्ट आंसर है तो आई होप कि आप में से सभी लोग ये जानते होंगे कि मार्केट सिग्नलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं जाना था चलिए अगर नहीं जानते तो नया आप, आपके लिए नया फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव लास्ट क्वेश्चन आज का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन ठीक इनमें से करेक्ट uh, ऑप्शन नहीं है ठीक सो इट इज ऑल्सो नॉन एज राइट टू फूड एक्ट इट वॉज नोटिफाइड इन थर्टीन इट इंश्योर इनहेंस प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रीन एंड इट इंश्योर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इन ह्यूमन लाइफ साइकिल कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो बताना आपको चलिए राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं जो राइट आंसर है दट इज इट इन्श्योर एनहेंसिंग प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्शन ऑफ फूड के बारे में नहीं बताया लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड है ठीक है ताकि जो मल न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम है कुपोषण की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए वो था so, जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है चलिए तो ये थे आज के लास्ट ट्वेंटी फाइव डेज प्रिपरेशन थ्रू एमसीक्यूज में लेक्चर एट अब लेक्चर नाइन में हम लोग डिस्कस करेंगे अगेन ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन देखना आप लोग कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए ऑनेस्टली आप लोग कमेंट करने की कोशिश करना क्योंकि जो आपका लेवल है देखना आप लोग पिछला लेवल अभी का लेवल कितना है तो कुछ क्वेश्चन न्यू थे अगर लेवल लो भी रहता है तो डोंट वरी ठीक है तो यहाँ पे डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है अब मिलते हैं आपको नई एनर्जी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए बने रहिए है चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच